गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी जो हमारे पास ये डिवाइस है, ये है रेडमी का और नोट 4। ठीक है दोस्तों, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइस जो है FRP लाख है और MI अकाउंट लाख है। ठीक है, तो अभी मैं आपको इसमें दिखाने जा रहा हूँ, जो कि देखिए लिखा है MI अकाउंट और इसका पासवर्ड नहीं मालूम है, तो इसको अनलॉक करना है। तो इसको कैसे अनलॉक करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं मिराकल के थ्रू अनलॉक करूँगा। तो सबसे पहले जो है कि आपको इसको अनलॉक करने के लिए पहले इसका ये जो बैक पार्ट है, ये बैक पैनल, इसको आपको रिमूव कराना होगा। तो हम इसको पहले हटा लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे अनलॉक करना है। तो चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ। तो दोस्तों, आप हमारे पास होना चाहिए मिराकल। तो हमारे पास मिराकल ऑलरेडी है, इसको ओपन कर लेंगे। तो अभी जो है दोस्तों, हमने ये जो है कि सेट का बैक पैनल हटा लिया है, और हटाने के बाद जो है कि अब इसमें हम आपको दिखाते हैं इसको सेट को कनेक्ट करना होता है EDL मोड पे। तो दोस्तों, आप ये जो देख रहे हैं, ये दो पॉइंट, ये देखिए ट्वीजर से मैं दिखा रहा हूँ, ये दो पॉइंट, ये EDL पॉइंट है। तो हमें इसको स्टार्ट करना होगा। बैटरी को आपको सबसे पहले ये रिमूव कराना होगा। तो आप बैटरी को यहाँ से, जो कि पहले बैटरी को यहाँ से रिमूव करा देंगे। रिमूव कराने के बाद आपको क्या होना चाहिए कि आपको ये दोनों पॉइंट जो है, ये जो दोनों पॉइंट है आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट को स्टार्ट करके रखना होगा। ये दोनों पॉइंट को आपको स्टार्ट करके रखना होगा, और बैटरी आपकी रिमूव होनी चाहिए और केबल को इंसर्ट करना होगा। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया हुआ है और केबल इंसर्ट हो रहा है। तो इंसर्ट होने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं हमारे जो डेस्कटॉप में है, यहाँ आपको देख रहे हैं, यहाँ पोर्ट काम एंड LPT सेक्शन में यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो ये क्वालकम जो है करके ये आपकी डिवाइस जो है कनेक्ट हो चुकी है ये EDL मोड पे। ठीक है, तो हमने जो है कि हमारा जो टूल है ये मिराकल है, हमने मिराकल को ओपन कर लिया है। अब हमको करना क्या होगा, जाना होगा क्वालकम वाले सेक्शन में। तो हम क्वालकम वाले सेक्शन में गए। यहाँ से जाने के बाद आपको यहाँ पोर्ट स्कैन करना होगा। तो हमने पोर्ट स्कैन कर लिया, आप देख सकते हैं COM21 क्वालकम करके है यहाँ पे। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, यहाँ एक्स्ट्रा वाले सेक्शन में जाना होगा। एक्स्ट्रा वाले सेक्शन में जाने के बाद MI अकाउंट अनलॉक करना होगा, और यहाँ से जो है डिवाइस हमको सेलेक्ट करना होगा, सॉरी यहाँ से हमको नोट 4 करके सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ रेडमी नोट 4। ठीक है, तो हमने एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये क्वालकम सेक्शन में आपको जाना होगा। क्वालकम सेक्शन में आने के बाद आपको जो है कि यहाँ एक्स्ट्रा वाले सेक्शन में आना होगा, यहाँ पोर्ट स्कैन करना होगा, और यहाँ से MI अकाउंट अनलॉक वाले सेक्शन को सेलेक्ट करके यहाँ से डिवाइस आपका जो भी मॉडल नंबर है सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, हमने रेडमी नोट 4 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपको स्टार्ट बटन पर सिंपली क्लिक करना होगा। तो आप यहाँ देखेंगे वर्क प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ वेट होगा, आप देख सकते हैं लोडिंग द बूट वेट, और यहाँ पे जो है कि आपकी डिवाइस जो है ऑल डन हो गया। डिवाइस में जो है आपकी हल्की सी वाइब्रेट होगी, और ये आपकी डिवाइस जो है पूरी तरह से MI अकाउंट अनलॉक हो जाएगी। तो अभी हम आपको यहाँ देखिए, चूँकि बैटरी इंसर्ट नहीं है, बैटरी हमने हटाया हुआ है, तो हम सिंपली केबल को हटाएंगे, बैटरी को इंसर्ट करेंगे, और उसके बाद जो है कि डिवाइस को फिर से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये डिवाइस जो है कि अनलॉक हुआ है या नहीं। थोड़ा सा स्टार्ट होने में टाइम लगेगा, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो दोस्तों, जो डिवाइस है मेरी चालू हो चुकी है, हम इसको नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करके नेक्स्ट करते हैं, या कंट्री सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी कंट्री हो, हम चूँकि इंडिया से हैं तो इंडिया सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, स्किप करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे गूगल अकाउंट नहीं मांग रहा है, हम इसको स्किप कर देंगे, स्किप। तो देखिए यहाँ दोस्तों, देखिए साइन इन टू योर MI अकाउंट, यानी कि MI अकाउंट आपका फिर से मांग रहा है। तो अब इसका मतलब फाइनल हो गया कि आपका जो है कि MI अकाउंट रिमूव हो गया। यहाँ से स्किप कर लेंगे, स्किप अलाउ, ये तो आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, सिंपल है।
हमारा डिवाइस जो है रेडमी नोट 4 पूरी तरह से जो कि हमारा अकाउंट रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि आपको मोबाइल से रिलेटेड और लैपटॉप से रिलेटेड जो भी अपडेट डिटेल जानकारी है आप तक आसानी से पहुँच सके। तो थैंक यू टू वॉचिंग माई वीडियो, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम्स हम तक शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।